प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयनित 31,277 पदों के सापेक्ष जनपद गोरखपुर को प्राप्त 599 नव नियुक्त शिक्षकों को बुधवार को प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड संख्या के आधार पर पीटीआर के अनुसार विद्यालय आवंटन प्रक्रिया बीएसएफ कार्यालय में संपन्न हुआ। बुधवार को हुए काउंसलिंग प्रक्रिया में कुल 237 नव नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया गया, जिसमें 11 दिव्यांग महिला, 12 दिव्यांग पुरुष तथा 214 महिला शिक्षक शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव नियुक्त शिक्षकों एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह ने कहा, क्या नाम है आपका? नियुक्ति पत्र मिल गया आपको जी? विद्यालय भी मिल गया? हाँ। मनपसंद विद्यालय मिला जी। और कैसा लगा है कि व्यवस्था? व्यवस्था बहुत अच्छी थी, अलॉटमेंट स्कूल का बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से हुआ है और सारा व्यवस्था बहुत अच्छा था। हम यहाँ के सारे जो भी उन्होंने कार्य किया उससे हम बहुत ही सेटिस्फाइड हैं और हमें अपने मनपसंद स्कूल और ब्लॉक मिल गया। नियुक्ति पत्र मिल गया आपको? यस मैम। क्या क्वालिफिकेशन थी आपकी? मैम बीटीसी 2015 बैच। अच्छा, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे अपनी नियुक्ति के बारे में आप? हम सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हम बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र दिए और हमारा सपना साकार किए एक सफल शिक्षक बनने का। साथ ही साथ मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र वितरित हुआ वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ वितरित हुआ। कहीं भी कोई भी निष्पक्ष, मतलब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से वैल्यू करके इन्होंने दिया। इसके साथ ही साथ मैं स्काउट गाइड की टीम और यहाँ पे जो भी अधिकारी और जो भी इंडिविजुअल वर्कर्स हैं सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे से लाइन अप होकर के COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए पूरी हम लोग को नियुक्ति पत्र वितरित करने में सहयोग दिया है। इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। अस्मा फिरदौस, आप किस जनपद से आई हैं? गोरखपुर। गोरखपुर, ठीक है। और आपको नियुक्ति पत्र मिल गया? जी मिल गया मुझे नियुक्ति पत्र, मैं बहुत खुश हूँ। दो साल के इंतजार के बाद और सीएम सर ने उनका सपना पूरा किया है और मुझे मनचाहा विद्यालय आवंटित हुआ है और मैं मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाऊँगी और यहाँ पर बीएससी सर के यहाँ भी बहुत अच्छे से सब सुविधा थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुमारी मोहिनी शुक्ला। हाँ, अब विद्यालय मिल गया आपको? यस। हाँ, मनपसंद विद्यालय मिला? यस। जहाँ जा रही थी वहीं पर मिला? हाँ। और कैसी व्यवस्था यहाँ की? बहुत अच्छी थी, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जहाँ चाह रहे थे वही मिल गया। और इस कार्यालय की व्यवस्था कैसी लगी आपको? यहाँ पे भी बहुत अच्छे से सबका काउंसलिंग हुआ, एकदम पारदर्शिता की तरह से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब बहुत अच्छे से हो गया और जहाँ जो चाह रहा है वहाँ पर मिल जा रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। चलिए, हमको हमारे मनपसंद
का विद्यालय मिला है और मैं इसके यहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है पारदर्शिता के साथ और यहाँ के मैं मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करना चाहती हूँ, यहाँ के BSC सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ और यहाँ की व्यवस्था से मैं प्रसन्न हूँ और मुझे अपना मनचाहा विद्यालय मिला है। यहाँ पे टेम्परेचर का और बाकी चीज़ों का भी अच्छे से सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ अच्छे से मुहैया भी कराया जा रहा है जो नहीं लेकर आए उन्हें भी, तो यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था अच्छी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही है। मैंने बच्चों को भी देखा, उन्होंने टेम्परेचर ले रहे थे और सैनिटाइज भी करा रहे थे। मेरा नाम अरुणिमा यादव है। अच्छा, नियुक्ति पत्र मिल गया आपको? जी जी, नियुक्ति पत्र मिल गया। विद्यालय भी मिल गया? जी, विद्यालय भी मिल गया। कैसा लगा यहाँ की व्यवस्था? यहाँ की व्यवस्था बहुत सही है, कोई किसी प्रकार का धान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब लोग बहुत आराम से बैठ करके अपने नंबर वाइज जा रहे हैं और उनको उनका ब्लॉक पूछा जा रहा है, उसके बाद से उनके ब्लॉक के उनकी इच्छा अनुसार उनको स्कूल दिया जा रहा है जो खाली है, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की जा रही है, एकदम सरलता से सारे कार्य को यहाँ पे किया जा रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई है। और आपको आपका मनपसंद विद्यालय मिल गया? जी जी, मुझे मेरा मनपसंद विद्यालय अपना नियुक्ति पत्र लिखाइए ना। शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है 31,261 के सापेक्ष हमको 599 अध्यापक मिले थे जिनको नियुक्ति पत्र वितरित किया जा चुका है, आज उनको विद्यालय अलाट किया जा रहा है, जिस क्रम में प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन उनको विद्यालय आवंटित किया जा रहा है। महिला विकलांग, पुरुष विकलांग जिनकी हो चुकी है, अब तक 54 लोगों का हो चुका है 238 के सापेक्ष और पूरी संभावना है कि आज 5 बजे के आसपास तक हम लगभग कर लेंगे, अगर बचते हैं तो इनका फिर हम कल सुबह करेंगे। और पुरुषों के लिए विद्यालय आवंटन रोस्टर से होगा जो कि सब ऑनलाइन ही सिस्टम है, लगभग जहां पद खाली है सारे विद्यालय खुले हुए हैं और पूरी सुचितापूर्ण ढंग से पूरी सावधानी के साथ काउंसलिंग होगी, विद्यालय अलाटमेंट किया जा रहा है। नहीं, इन शिक्षकों से हम चाहें कि पूरी तन्मयता से, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जिस तरह से उनको पद मिला है उसकी गरिमा को बनाते हुए अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें, भविष्य बच्चे भविष्य होते हैं देश का, उनको अच्छे ढंग से शिक्षित करके आगे बढ़ें।